It is factors affecting the photosynthesis. Last topic of the photosynthesis, it is factor affecting photosynthesis. और कल का पेपर कैसा हुआ? उसमें एक आंसर सही कर लीजिएगा. वो आंसर था बी टू ए, जो -4 to -9, वो जो वाटर का ट्रांसपोर्ट था, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट. ठीक, ईस वाला सही है. ईस वाले में क्वेश्चन ये था कि ह्यूमन सेल में, ध्यान सुनो, ह्यूमन साइकिल में कितना समय लगता? बोले 24 घंटे. 24 घंटे को पहले चेंज करो मिनट्स में, 60 गुणा कर दो. और फिर बोला गया कि ईस की साइकिल में लगते हैं 90 मिनट. तो जितनी देर में ह्यूमन साइकिल कंप्लीट होगी, ईस्ट कितना कर लेगा? तो 24 × 60/90. सिंपल था. आप दिमाग ही नहीं लगा पाए. ये 90 मिनट में चालू करता है, वो खत्म करता है, वो 24 घंटे. तो 24 घंटे में इनकी एक साइकिल होगी. तो जितनी देर में इनकी एक साइकिल होगी, उसमें ईस्ट की कितनी साइकिल हो जाएगी? तो पहले इसे मिनट में चेंज कर लो और फिर मिनट से डिवाइड कर दो, 16 आ जाएगा. तो 16 साइकिल में आपने 16 साइकिल कंप्लीट करनी है ईस्ट में. खैर, हमें बाकी क्वेश्चन पेपर में जो दिक्कत हो बता दीजिएगा. बाकी फैक्टर्स फिर से पढ़ लेते हैं. तो दो प्रकार के फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं. एक है इंटरनल और दूसरे हैं एक्सटर्नल. द टू टाइप ऑफ फैक्टर, वन इज नोन एज इंटरनल फैक्टर्स. और दूसरे तरीके के फैक्टर हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स. द इंटरनल फैक्टर, दे आर रिलेटेड विद द प्लांट एंड द लीफ. दे आर रिलेटेड विद प्लांट्स एंड लीव्स. And the external factor, they are related with the environment. जब मैं प्लांट और लीफ से के फैक्टर जानने की कोशिश करता हूं, इट इज अ नंबर ऑफ लीफ, एज ऑफ लीफ, साइज ऑफ लीफ, एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ. इन सारे फैक्टर को समझ लेना जरूरी है. अगर पत्ती के नंबर ज्यादा हैं तो फोटोसिंथेसिस ऑब्वियसली ज्यादा होगी. अगर पत्ती एज में यंग है, नई पत्ती है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा. साइज ऑफ लीफ ज्यादा है तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी ज्यादा होंगे पर यूनिट एरिया, तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा. और अगर ओरिएंटेशन परपेंडिकुलर है सनलाइट के, सनलाइट के परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा. तो पहला कौन? नंबर ए, साइज. इसके अलावा लीफ के अंदर मीजोफिल सेल, नंबर ऑफ मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल जितनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस उतनी ज्यादा. इसके बाद मीजोफिल सेल के अंदर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जितने ज्यादा फोटोसिंथेसिस उतनी ज्यादा. और क्लोरोप्लास्ट के अंदर अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल. और एक भी लाइन में एनसीईआरटी के बाहर नहीं लिख रहा हूं, याद रखना. अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा. एंड इंटरनल CO2 कंसेंट्रेशन. अब ये कौन से CO2 है ये जानने लायक. ये वो CO2 है जो एटमॉस्फेयर में नहीं पाई जाती, सेल की मीजोफिल टिश्यूज में पाई जाती. अगर सेल की एनाटमी आपको याद है तो ये थी मिडरिब, पैलिसेट,
स्पॉन्जी, ये दोनों मीजोफिल है। यहां पर अगर कोई CO2 ट्रैप हो जाए तो ये CO2 रेस्पायरेशन के द्वारा पैदा हुई है। किसके द्वारा? एटमॉस्फेयर से पैदा नहीं हुई है और ट्रैप है, तो वो इंटरनल CO2 है। ये प्लांट की खुद की CO2 है जो प्लांट ने रेस्पायरेशन करके बनाई है। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर विच आर इंटरनल फैक्टर। एक बार बोल दे रहा हूँ, नंबर, एज, साइज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। बुक में ये लिखा होगा, बेटा फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, होता है। इंटरनल CO2 जो रेस्पायरेशन के दौरान पैदा हुआ है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आई एम हाईली ऑनर्ड कि इतने दिन बाद किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा। किसी को पूछना ही नहीं होता। फिर से देखो, जितनी भी ये कोशिकाएं हैं ये रेस्पायरेशन करेंगी। क्या करेंगी? और रेस्पायरेशन के दौरान ये CO2 पैदा करेंगी। ये CO2 इन स्टोमेटा से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन कुछ CO2 इन्हीं में ट्रैप हो जाता है। ये CO2 भी फोटोसिंथेसिस के काम आता है। ऐसा नहीं कि एटमॉस्फेरिक का ही CO2 काम है, ये CO2 भी काम आता है, क्योंकि एक नए दिन इसे भी एटमॉस्फेयर में जाना था लेकिन ये गया नहीं, क्योंकि ये पैरेन्काइमा में ट्रैप हो गया। तो इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन भी मायने रखती है। और ये CO2 एटमॉस्फेयर की ही प्लांट की क्यों है? क्योंकि उसने रेस्पायरेशन। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर। एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, इट इज अ नंबर, एज, साइज, ओरिएंटेशन। अपनी एनसीईआरटी देखिए, यही लिखा होगा, नंबर, एज, साइज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ। इसके बाद मीजोफिल सेल, फिर मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट, फिर उनमें अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, फिर इंटरनल CO2। मुझे कैसे याद रहता है? मैं सोचता हूँ पत्तियों का नंबर, पत्तियों का साइज, ओरिएंटेशन और एज। इसके बाद पत्ती के अंदर घुसो, क्या मिलेगी? मीजोफिल। मीजोफिल के अंदर घुसो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। आप बता पाओगे? हाँ जरा बोलो, नंबर एक, इसके बाद मीजोफिल, अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इसके बाद एनवायरनमेंट फैक्टर। एनवायरनमेंट फैक्टर में चार मेन फैक्टर हैं, एक लाइट, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। अब बताओ ये कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड? इंटरनल के एक्सटर्नल? इसके अलावा टेम्परेचर, और दूसरा वाटर अवेलेबिलिटी। एक्सटर्नल फैक्टर में चार फैक्टर, लाइट, CO2 कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड वाटर अवेलेबिलिटी। और अगर मैं इन सारे फैक्टर को जोड़ूं तो मेरे हिसाब से फोटोसिंथेसिस इज अ मल्टी फैक्टोरियल प्रोसेस। मल्टी फैक्टोरियल प्रोसेस का मतलब In this process, many factors are involved. It is a multifactorial process. So, photosynthesis में एक factor है कि many factor है? Many factor. And all the chemical and biological. फिर से बोलो. All the chemical and biological process which are If they are multifactorial, they follow Blackman's law of limiting factor. Blackman's law of limiting factor. इस दुनिया में जितने भी केमिकल या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, जिनमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व है, एक फैक्टर की बहुत सारे, उन सारे प्रोसेस में ब्लैकमैन्स का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर अप्लाई होता है। द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर अप्लाइड इन द मल्टी फैक्टोरियल प्रोसेस। याद रहेगा? ठीक, हटा दे। चलो, फोटोसिंथेसिस में कितने प्रकार के फैक्टर? एक कौन? दूसरा? इंटरनल की लिस्ट याद है? एक्सटर्नल लिस्ट याद है? एक्सटर्नल कितने? इंटरनल याद है? वन फैक्टर के मैन्युफैक्चर।
और मैन्युफैक्चर के जितने भी प्रोसेस होते हैं उनमें कौन सा लगता है? ब्लैक मैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग। सो अब ये हमारे लिए बड़ी बात हो गई कि व्हाट इज ब्लैक मैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। कि सर ये ब्लैक मैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है? वैसे अगर रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे होते तो केमिस्ट्री में ये बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा रिएक्शन है, लेकिन बायोलॉजी में पढ़ाते वक्त इसे बड़ा ग्रैंड्योर बनाना पड़ता है ताकि आपको ज़्यादा समय तक याद रहे। ग्रैंड्योर बनाने के चक्कर में कई बार मैं एक कहानी सुनाता हूँ, हर साल वही, इस साल भी वही सुना देता हूँ। अपने यहाँ पर एक जेके मंदिर करके जगह, जेके मंदिर, और ये है काका देव। यहाँ से मैं कहता हूँ पूरी कॉलेज दौड़, पूरी क्लास दौड़ लगाएगी। नियम यह है कि जितने जल्दी पहुँचोगे उतना बड़ा गिफ्ट दूंगा मैं सबको। अगर 2 मिनट में पहुँचते हो तो यूरोप की ट्रिप करवाऊंगा, 5 मिनट में पहुँचते हो तो चलो गोवा ले चलूंगा, 10 मिनट में पहुँचते हो तो मोती झील लेके चलूंगा, और अगर 25 मिनट में पहुंचते हो तो बदनाम चाय तक लेके चलूंगा। ओह बड़ा अच्छा, तुम्हारा तो तीर्थ स्थान है। और अगर आधे घंटे बाद पहुंचते तो कहीं नहीं ले जाएंगे। तो आप बताओ, जेके मंदिर पहुंचने की ट्राई बहुत तेज करोगे कि बहुत स्लो? तेज करोगे। पर मैंने एक नियम बनाया कि एक साथ पूरी क्लास के सारे लोग पहुंचने चाहिए, एक साथ सारे पहुंचने चाहिए। अगर कोई पहले पहुंचा मार खाएगा, कोई भी पहले पहुंचा मार खाएगा। पहुंचे तो एक साथ पूरी क्लास पहुंचे, ऐसा नहीं कि सर मैं पहले आ गया मुझे यूरोप ले चलो बाकी लोगों को बदनाम चाहिए, ऐसा नहीं। तो अब बताओ तुम्हारी क्लास की स्पीड फास्टेस्ट बंदे पे डिपेंड करेगी कि स्लोएस्ट? क्यों? क्योंकि जो फास्टेस्ट होगा पहले पहुंचेगा, गिफ्ट मिलेगा कि थप्पड़? तो थप्पड़ लेना, गिफ्ट लेना चाहेगा। तो गिफ्ट लेने चाहने पर क्या होगा? वो कहेगा कि जो सबसे स्लो चल रहा उसको तेज दौड़ाओ, अगर वो तेज दौड़ गया तो बाकी क्लास तो उससे तेज दौड़ गई। और एक बहन जी फंस गई जो कह रही हाय राम, अब बहन जल्दी भागो। तो बताओ पूरी क्लास की स्पीड सारे लोगों पे डिपेंड हुई कि एक पे? वो जो सबसे फास्टेस्ट था कि स्लोएस्ट? स्लोएस्ट। यही कहानी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देयर आर सो मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व है। तो बताइए द रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो क्या? The rate of reaction will depend upon the factor which is in highest concentration or the lowest. यानी lowest concentration मतलब limiting concentration. किस concentration में? अगर मैं इसकी concentration बढ़ा दूं limiting concentration की तो rate बढ़ जाएगा, और इसकी घटा दूं तो घट जाएगा। यानी वो बहन जी अगर slow दौड़ने लगे तो class slow, और वो अगर fast दौड़ने लगे तो class fast। नहीं आया? यानी रेट ऑफ रिएक्शन सारे लोगों पे डिपेंड हुई कि एक पे, जो फास्टेस्ट था कि स्लोएस्ट। वैसे ही लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन किस पे, जो हाईएस्ट कंसेंट्रेशन में कि लोएस्ट? हाँ लोएस्ट। पेज नंबर 222 इन जो लिटरल मीनिंग है मैं वो लिख रहा हूँ, क्योंकि कई बार आप लोग लड़ते हो कि सर आप पढ़ा देते हो लिख समझ में नहीं आता। बोलते हैं इफ अ केमिकल प्रोसेस मैंने इसके आगे बायोलॉजिकल प्रोसेस भी लिख दिया, बायोलॉजिकल प्रोसेस। इफ अ केमिकल और अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, more than one factor. अगर कोई केमिकल प्रोसेस एक से ज्यादा फैक्टर पे डिपेंड करती है, then its rate will
देन इट्स रेट विल डिटरमाइन बाय द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमम या मिनिमल बातें किए मिनिमल वैल्यू. इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस इफ क्वांटिटी इज चेंज. यह है लिटरल जो आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है, एग्जैक्ट वही जो एनसीईआरटी ने लिखा है. इफ अ केमिकल प्रोसेस और अ बायोलॉजिकल प्रोसेस अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, यानी रेट ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हर जगह लगेगा कि बेटा मल्टी फैक्टोरियल उन प्रोसेस पे लगेगा जो प्रोसेस कैसे हैं मल्टी फैक्टोरियल. द ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर द प्रोसेस विच इज यूनिफैक्टोरियल के मल्टी फैक्टोरियल. तो बताओ ये रिएक्शन एक फैक्टर पे डिपेंडेंट है कि मैनी है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन सब पे डिपेंड करे एक पर. किस पर? जो सबसे कम कंसंट्रेशन पे. सुनो भाई, अगर ये ना समझ में आए तो मेरी बात ध्यान सुनो. मेरी रेट ऑफ रिएक्शन का नाम है दौड़ना, और रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है स्पीड. तो पूरी क्लास की स्पीड किस पर डिपेंड करेगी? वो बच्चा जो सबसे फास्ट दौड़ा कि सबसे स्लो. क्योंकि फास्ट वाला तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन पहुंचना साथ में है. साथ में पहुंचना है तो स्लोएस्ट वाले को दौड़ाओ, क्योंकि सारे लोग इससे तेज दौड़ना जानते हैं. ये अगर तेज दौड़ेगा तो बाकी लोग इससे तेज दौड़ लेंगे. तो जितना ये तेज दौड़ेगा उतना तो सब लोग दौड़ ही लेते हैं. तो रेट ऑफ रिएक्शन सब पे डिपेंड कर रही है, सब पे की एक पर. तो बताओ अगर यहाँ पर चार फैक्टर है, लाइट, क्लोरोफिल, सनलाइट, फूड और वाटर, इवन समर वाटर, इसके अलावा क्या था, टेम्परेचर, इसके अलावा अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल लीफ, तो सब पर डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन की कोई एक. जो फॉर एग्जांपल इन्होंने बोला, मान लो एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, पौधों में क्लोरोफिल है जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, सनलाइट की कमी नहीं है, खूब सूरज निकल रहा है, सनलाइट भी खूब है, वाटर भी खूब दे रहे हो, पानी भी खूब पहुंचा, चार चीजें बोलो, CO वाटर भी पहुंचा रहे, CO2 भी पहुंचा रहे, यानी सब कुछ दे रहा है. CO2 भी अमाउंट में ठीक है, वाटर भी अच्छा है, क्लोरोफिल भी खूब है, और सनलाइट पड़ रही है. लेकिन सनलाइट जितनी पड़नी चाहिए उतनी पड़ रही है, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा लो है. क्या है? लो. मान लो आजकल सर्दियों में टेम्परेचर 7-8-10 डिग्री चला गया, और फोटोसिंथेसिस 25 डिग्री में बेटर होती, किसमें 25. तो बताओ 7 डिग्री टेम्परेचर पे सारे लोग लिमिटिंग हुआ कि टेम्परेचर. अब बताओ सनलाइट बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस बढ़े कि नहीं बढ़े? नहीं बढ़े. बताओ CO2 बढ़ाने पर बढ़ेगी? बताओ क्लोरोफिल बढ़ाने पर, वाटर बढ़ाने पर? क्योंकि इन पे डिपेंड कर रही है, लेकिन रेट इन पे डिपेंड नहीं कर रहा. क्योंकि ये लिमिटिंग कौन लिमिटिंग है? तुमने 7 से 8 किया फोटोसिंथेसिस बढ़ गई, 8 से 10 किया फोटोसिंथेसिस बढ़ गए, 10 से 20 किया फोटोसिंथेसिस बढ़ गए, 20 से 25 किया फोटोसिंथेसिस बढ़ गए. बताओ सारे लोगों पे डिपेंड कि एक लोगों पे, वो कौन है? टेम्परेचर. क्योंकि वो अपनी मिनिमम कंसंट्रेशन पे था. किस पे? मिनिमम. बताओ व्हाट इज लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर? अब हटा दिया मैंने. व्हाट इज लिमिटिंग फैक्टर? इट एप्लीकेबल ऑफ ऑल द प्रोसेस विच आर मल्टी फैक्टोरियल, वेदर इट इज बायोलॉजिकल और केमिकल. कोई भी बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस जो कैसा है मल्टी फैक्टोरियल, उस प्रोसेस पर क्या लगेगा? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. फिर से बोलो,
और इस प्रोसेस के अनुसार व्हेन अ फैक्ट वन अ प्रोसेस डिपेंड अपॉन मोर देन वन फैक्टर, जवाब दो मोर देन देन द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन, फिर से बोलो, विल डिपेंड अपॉन द फैक्टर विच इज इन इट्स मिनिमम कंसंट्रेशन, मैक्सिमम की मिनिमम, इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस फैक्टर द रेट विल इंक्रीज, वी डिक्रीज इट डिक्रीज, ओके बताओ पूरी क्लास की दौड़ किस पर डिपेंड करेगी, जो फास्टेस्ट था कि स्लोएस्ट, स्लोएस्ट वाले को दौड़ाना चालू करो फास्ट तो बेटा पूरी क्लास तेज दौड़ने लगेगी, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट। इन्हीं फैक्टर में से एक फैक्टर है लाइट, लाइट फोटोसिंथेसिस लाइट पर दोनों तरीके से डिपेंड करती है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइट, फोटोसिंथेसिस डिपेंड अपॉन द लाइट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, यानी लाइट के ऊपर फोटोसिंथेसिस दोनों तरीके से डिपेंड करती है, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में। चलो भाई सूरज बाबू, सूर्य बाबू, टेल मी अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइट एंड द डिपेंडेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस अपॉन द क्वालिटी ऑफ लाइट। खड़े हो, क्वालिटी ऑफ लाइट, जस्ट बिकॉज कि मैं बहुत तेज चिल्लाना नहीं चाहता हूं तुम सो जाओगे, सो तो नहीं रहते तुम, ऑलमोस्ट सो ही रहते। क्वालिटी ऑफ लाइट से आपका मतलब क्या है, पहले दिमाग में जोर डालो, क्वालिटी ऑफ लाइट से मतलब क्या है, बिल्कुल शांत रहिएगा बाकी लोग। डंडा कहां है भैया, जरा डंडा उठा बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बिल्कुल शांत रहिएगा, कोई और बताएगा नहीं। हेलो, लाइट दिखती कैसी है, क्वालिटी ऑफ लाइट में लाइट दिखती कैसी है, ये फिजिक्स पढ़ते पढ़ते ये भी भूल रहे हो कि क्वालिटी ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी आप, चलो छोड़ दिया, अब बताओ वेवलेंथ ऑफ लाइट की बेसिस पर लाइट कितने प्रकार की, सात प्रकार की, यही पूछा था, बोलो कौन सा, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज, इसका इसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से क्या रिलेशन है, सर जो रेड लाइट है इसे क्या बोलते हैं वो बोल दो, छोड़ दो, पढ़ा चुके हैं हम, अब चिल्ला के नहीं, हम डंडा मार के ही पूछेंगे, वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, इधर ले रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, चाहे कुछ भी पढ़ा लो हम घोंगा के घोंगा ही रहेंगे सर, याद है ब्लू रीजन पे ज्यादा ज्यादा है, ग्रीन रीजन पे जीरो, ज्यादा की कम, रेड रीजन पर ज्यादा, किस दो रीजन पे फोटोसिंथेसिस है, ब्लू है, मिनिमम कहां, ग्रीन, इस स्पेक्ट्रम का नाम याद है, बोलो एक्सेल स्पेक्ट्रम, टी डब्ल्यू एंगल मैंने याद है, मर गया ये आदमी बता करके कि लाइट की क्वालिटी पर फोटोसिंथेसिस डिपेंड करती है, जब हमने पूछा तो ये जमाई ले रहे थे। कुछ लोगों को एक क्लास समझ में नहीं आएगी कि सर क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या क्वालिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, बेस्ट फोटोसिंथेसिस इज इन रेड लाइट नॉट द ब्लू, द बेस्ट फोटोसिंथेसिस इन रेड, सेकंड बेस्ट मिनिमम, ये ट्रांसपिरेशन नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस है, सबसे बढ़िया फोटोसिंथेसिस रेड लाइट, उससे कम सबसे कम ग्रीन, क्या क्वालिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है,
क्वालिटी ऑफ लाइट में तो खैर सर एक्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा दिया गया, नाउ द क्वांटिटी ऑफ लाइट इट नेवर डिपेंड, और आई कैन से इफ द वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉन्स्टेंट देन द क्वांटिटी ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. अब कुछ लोग बोलेंगे व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया. फ्लक्स सुने हो, फ्लक्स किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जितनी रेज गिर रही हैं ये फ्लक्स जनरेट करती हैं. अगर फ्लक्स ज्यादा हुआ, क्या ज्यादा हुआ, फ्लक्स, तो नंबर ऑफ फोटोन कम की ज्यादा, और नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा तो इंटेंसिटी भी. तो इसका मतलब धूप ये गर्मी वाली है कि सर्दी वाली, गर्मी वाली, गर्मी में इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट फ्रीक्वेंसी ज्यादा की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन पर यूनिट एरिया ज्यादा है. तो सर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी पढ़ा दो सर, और वही पढ़ाने आया हूं क्योंकि ये तो पढ़ा चुका हूं. बोलते हैं हाई लाइट इंटेंसिटी पर, फिर से सुनना, किस पे, हाई लाइट इंटेंसिटी पर लाइट बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तीन बारी से सुनो, हाई लाइट इंटेंसिटी ऑलरेडी है और ऊपर से और लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो, हाई लाइट इंटेंसिटी होने पर लाइट इंटेंसिटी और बढ़ाओगे, देयर विल बी नो इफेक्ट अपॉन फोटोसिंथेसिस. बोलते हैं क्यों, क्योंकि ब्लैक मैन कह के गए हैं कि लाइट एक फैक्टर जरूर है लेकिन वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है. कब, और रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन लिमिटिंग फैक्टर, किस पर, फिर से बोलो, और हाई लाइट इंटेंसिटी अगर है तो ऑलरेडी सनलाइट कम है कि ज्यादा, और अगर सनलाइट ज्यादा है तो 2-10% लाइट तो वैसे ही मिल रही है पार की, पार याद है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, इस पार का 2-10% अगर लाइट पड़ जाए तो बताइए क्या फोटोसिंथेसिस सैचुरेट हो सकती है. यस सर. तो हाई लाइट इंटेंसिटी में लाइट की कमी नहीं है. तो देयर आर सो मैनी फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर हैं, उन कोई फैक्टर में कोई एक फैक्टर कम होगा तो बताओ तुम बढ़ा क्या रहे, लाइट. जो ऑलरेडी तेज दौड़ रहा था उसे और तेज दौड़ाने से क्लास की तेज स्पीड बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी. जो ऑलरेडी हाई इंटेंसिटी में था और इंटेंसिटी बढ़ा दी, बताओ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ब्लैक मैन कह के गए हैं रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द फैक्टर विच इज मैक्सिमम कंसंट्रेशन की मिनिमम, और हाई लाइट इंटेंसिटी में लाइट इज एट इट्स मैक्सिमम, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड नहीं करेगा. But if light intensity is, if light intensity is low, if light intensity is low, the rate of reaction, rate of photosynthesis increase on increasing light intensity. अब इस लाइन का मतलब फिर से बताओ, अगर लाइट इंटेंसिटी लो है, क्या है, लो है, इसका मतलब बाकी फैक्टर एडिक्वेट है, प्रचुर है, कौन कम है, इसका मतलब लाइट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे कि मिनिमम, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, और लाइट का बढ़ाने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, क्योंकि ब्लैक मैन कह के गए हैं जो मिनिमम है उसे बढ़ाओ तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, उसे घटाओ तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा. नहीं आया, कुछ नहीं आया, आया क्या बोला गया, अगर लाइट इंटेंसिटी ऑलरेडी ज्यादा है तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस का रेट ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, लेकिन
अगर लाइट इंटेंसिटी कम है तो मतलब इसका मतलब लाइट इंटेंसिटी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे कि मिनिमम, इसका मतलब पूरे फैक्टर में लाइट इज लिमिटिंग, और लाइट अगर लिमिटिंग हो गई तो लिमिटिंग फैक्टर का अमाउंट बढ़ाओ तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लिमिटिंग फैक्टर का अमाउंट घटाओ तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। और वो इसे ग्राफ के हिसाब से पढ़ाते हैं, किसके हिसाब से ग्राफ पढ़ाए, वो ग्राफ बनाते हैं, सब लोग अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे वो ग्राफ को। उन्होंने वाई एक्सिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिया, पर एक्स एक्सिस पर लाइट इंटेंसिटी ली। ये ग्राफ बहुत मुश्किल कर देता है जब मैं क्वेश्चन बनाता हूं, मैं फिर बता दे रहा हूं, इसलिए अभी ग्राफ से जितने क्वेश्चन पूछने हैं पूछ लेना, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आपको लगेगा सर ने पढ़ाया नहीं पूछा। बोलते हैं अगर लाइट इंटेंसिटी ऑलरेडी लो है तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी, और एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी। और जिस पॉइंट पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो जाएगी उसे हम लोग वी मैक्स बोलेंगे, मैक्सिमम रेट ऑफ द रिएक्शन। और ये किसका वी मैक्स है? फोटोसिंथेसिस। फिर ग्राफ में तीन पॉइंट इन्होंने बताए हैं, अदर चार पॉइंट है। पहला पॉइंट है ए, फिर इसके बाद एक ट्रांजिशन जोन है जो है बी, फिर एक और जोन है दैट इज सी। फिर जहां से मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आ गई है वहां पर रखा है डी, और जो वी मैक्स है दैट इज ई। ये इतने पॉइंट है, बुक में देख लो, इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, इट इज डी, इट इज ई। सबसे पहले व्हाट इज ई? इट इज अ मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज डी? इट इज द इंटेंसिटी, इट इज अ एट द रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम। इसका मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर फोटोसिंथेसिस सैचुरेट हो गए। फिर से सुनो, पहली बार में नहीं समझ में आता। डी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब क्या बता रहा है? इसका मतलब डी पॉइंट वो लाइट इंटेंसिटी है जिस पर फोटोसिंथेसिस सैचुरेट हो जाए। क्या हो जाएगा? इसका मतलब डी इज द 10% ऑफ पावर। व्हाट इज पावर? यानी कि अगर पार का 10% लाइट भी आप पे पड़ जाए तो बताइए 10% आते आते आपकी फोटोसिंथेसिस सैचुरेट। कितनी लाइट चाहिए? 2 से 10% में मिनिमम की मैक्सिमम? मैक्सिमम। तो लाइट इंटेंसिटी वो लाइट इंटेंसिटी जिसमें फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो जाए, तो ई इज मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन, डी इज 10% ऑफ लाइट इंटेंसिटी। इट इज ऑल्सो नोन एज सैचुरेशन, सैचुरेशन ऑफ सनलाइट। नाउ व्हाट इज ए? ए इज अ स्लोप। क्या है? स्लो, विच डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अपॉन द लाइट इंटेंसिटी। क्या बढ़ा रहे? क्या बढ़ रही है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये कब पॉसिबल था? लो लाइट। इसका मतलब ये लो लाइट इंटेंसिटी जोन है, इट इज लो लाइट इंटेंसिटी जोन। लो लाइट इंटेंसिटी जोन पर लाइट बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस बढ़ती रहेगी। एंड नाउ द बी, इट इज अ ट्रांजिशन। व्हाट इज ट्रांजिशन? जरा ध्यान से सुनना, ये पॉइंट सबसे मुश्किल है। ट्रांजिशन ये है कि बी वो पॉइंट है जहां पर लाइट अपना लिमिटिंग फैक्टर कम कर रही है, यानी लाइट लिमिटिंग से जा रही है कि मैक्सिमम पे? मैक्सिमम।
अगर लाइट मैक्सिमम जा रही है तो कोई दूसरा फैक्टर क्या हो रहा है, लिमिटिंग। नहीं समझ में आया, सुनो। मान लो ए नाम का स्टूडेंट था जो सबसे स्लोएस्ट था, एक बिटिया थी बहुत स्लो दौड़ रही थी, आए राम मुझसे नहीं हो पाएगा, तो पूरी क्लास उसको हाथ जोड़ रही थी कि आप बहन जी तेज दौड़ो तो बाकी लोग तेज दौड़ लेंगे, पर बिटिया मजाक कर रही थी, कह रही थी अच्छा मेरा मजाक करो, बिटिया एक्चुअली पीटी उषा है, यस, पर वो अपना मन में धीरे धीरे दौड़ रही। अचानक बिटिया बहुत तेज भागी, इतनी तेज भागी कि वो बाकी लोगों से फास्ट हो गई कि स्लो, अगर फास्ट हो गई तो पता चला बी नाम की जो बिटिया वो एक्चुअली स्लोएस्ट है, इसका मतलब ए ने अपना रेट घटाया कि बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, तो जब उसके स्पीड के हिसाब से कोई दूसरा बंदा क्या हो गया, स्लो, अगर वो स्लो हो गया तो अब बताओ ए पर डिपेंड करेगा कि बी पर। अब यहां सुनो, लाइट लो इंटेंसिटी की थी तो लाइट बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, लाइट पहुंच गई मैक्सिमम, किस पे गई, मैक्सिमम। अब लाइट बढ़ाओ, अब लाइट कितना भी बढ़ाओ रेट ऑफ रिएक्शन क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि लाइट अब मिनिमम नहीं रहा, क्योंकि मिनिमम पर ही डिपेंड करता है, अब तुम कितना भी लाइट बढ़ाओ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब लाइट वो फैक्टर नहीं बचा जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करे। क्यों नहीं बचा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो डिपेंड करता है मैक्सिमम पे कि मिनिमम पे, इसका मतलब डी पॉइंट के बाद रेट मिनिमम नहीं बचा, मिनिमम नहीं बचा तो वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे जाने लगा। अब तुम लाइट बढ़ाओगे तो कोई दूसरा फैक्टर जो होगा वो लिमिटिंग, तो बी वो पॉइंट है एट विच सम अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग, जहां पर कोई दूसरा फैक्टर है जो लिमिटिंग हो गया, लाइट लिमिटिंग फैक्टर से अलग हो गई, इसलिए लाइट कितना भी बढ़ाओ फोटोसिंथेसिस बढ़ने वाली नहीं है। क्यों नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रेट किस पे डिपेंड करेगा, पता है, इसी वजह से तुम्हारा टीचर चिल्लाने लगा है, क्या करें सर इतना स्लो पढ़ाते हो, बड़ा लोरी जैसा लगता है, पर मैं अब चिल्लाऊंगा नहीं, बट मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना, तुम भी समझो, हम तो गाना भी गाएंगे इस चीज में, कुछ पल्ले पड़ा, बोले ये कहां से आवाज है, यहां से, इट इज खर्राटा। सर आज सच में बड़े टॉक्सिक लग रहे हो आप, आज मैं जानबूझ के आया हूं चिल्लाऊंगा नहीं, ऐसे ही पढ़ाना आप कोशिश करूंगा, समझ में आया नहीं आया, अरे नहीं बिटिया तुम्हारी बुक में डायग्राम बना है, बुक नहीं पढ़ती हो, देखो क्या लिखा है, ए कहां लिखा है, लिखा है बी सी, हाँ अब बताओ फोटोसिंथेसिस कमिल ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर लगता है, लाइट पर डिपेंड करती है, दोनों तरीके से डिपेंड करती है, क्वांटिटी में भी क्वालिटी में भी डिपेंड करती है, बस इतनी सी बात बतानी है, क्वालिटी पर डिपेंड करती है, कौन सा स्पेक्ट्रम, एक्सेल स्पेक्ट्रम, क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, सबसे बढ़िया ग्रीन में है, रेड में है, दूसरे नंबर पे, सबसे कम, क्या क्वांटिटी में भी डिपेंड करता है, क्वांटिटी ऑफ लाइट इज डिफाइंड बाय इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी इज द नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया, इंटेंसिटी अगर हाई है ऑलरेडी तो बताओ, हाई है अगर ऑलरेडी तो बताओ ये वाला जोन है, इट इज लो इंटेंसिटी की हाई इंटेंसिटी, अब बताओ हाई इंटेंसिटी जोन पर सनलाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क, पहले ही बोल दिया, हाई इंटेंसिटी जोन पर सनलाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर बताओ फोटोसिंथेसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बताओ किस पर पड़ेगा, लो
लो इंटेंसिटी के केस में जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, 10% तक पहुंच सकते मिनिमम की मैक्सिमम क्या सैचुरेशन हो जाएगा? अब ज्यादा बढ़ाओगे तब भी बढ़ेगा क्योंकि आप लो से कहां चले गए? और इस पॉइंट पर आकर के लाइट लिमिटिंग हो गई कि सम अदर फैक्टर। तो आपके पास 5 पॉइंट है, पहला कौन? ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ई। वाई एक्सिस पर डी, डी कहां पर? एक्स। और ये स्लोप पर है, स्लोप पर बी सी, यहां पर स्लोप जीरो, यहां स्लोप मैक्सिमा, यहां ट्रांजिशन। क्या ये एक्सीलरेशन है? डी एक्सीलरेशन है। क्या ये स्टेशनरी है? पहले फोटोसिंथेसिस घटेगी कि बढ़ेगी? फिर मैक्सिमा और फिर स्टॉप। आगे बढ़ेगा नहीं, लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते रहो, फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के बाद लाइट लिमिटिंग नहीं बढ़ी, कोई और फैक्टर लिमिटिंग हो गया। दैट वॉज द डायग्राम। अभी भी नहीं है? नहीं है भैया, जब इधर बोर्ड की तरफ ध्यान दोगे तो आएगा। तुम कहीं देख हमारी तरफ रहे, सोच कहीं और रहे, तो कैसे आए? खड़े हो तो बस यही खराबी होती, इसलिए बताते कि नहीं, कि नहीं आया। तुमसे बताओ नहीं आया, तुम खड़ा कर देते हो। बेटा अब इसी सिचुएशन को दोबारा देखते हैं ध्यान से। एनवायरनमेंट में पानी की कमी नहीं है, पानी खूब है पौधे के पास। एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी नहीं, खूब है। ओके, दो काम, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों में क्लोरोफिल की कमी नहीं, टेम्परेचर भी ठीक ठाक है, 25-30 डिग्री है। अचानक कोहरा आ गया, क्या आ गया? या फिर बादल छा गए, क्या छा गए? और बादल छाने की वजह से चारों तरफ लाइट पहुंची कम की ज्यादा? कम। अगर लाइट कम पहुंची तो बताओ यहां पर CO2 लिमिटिंग हुई क्या? नहीं। बताओ जैसे जैसे कोहरा छटता जाएगा पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया घटती जाएगी, बढ़ती जाएगी? क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि जैसे ही कोहरा छटता जाएगा पानी और मिलता जाएगा। क्या मिलती जाएगी? सनलाइट। इसका मतलब है इस समय लिमिटिंग कौन है? सनलाइट। अचानक कोहरा छट गया, धूप बहुत तेज निकलने लगी और धूप पड़ेगी, फोटोसिंथेसिस और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हो सकता है उस लाइट के हिसाब से पानी कम पड़ गया हो। तो अब बताओ कौन लिमिटिंग हो गया? पानी। तो अब बताओ उस लाइट पर उतनी फोटोसिंथेसिस बढ़ाने के लिए लाइट लिमिटिंग हो गया कि पानी? मान लो पानी भी खूब मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कम पड़ गई? कार्बन। नहीं आया, बैठो एक बार और ग्राफ बना दे, नहीं वरना दुखी हो जाएगा। सब लोग बनाएंगे भाई, बताओ कितनी एक्सिस हैं? पहला कौन? वाई एक्सिस, ये वाला। ये बताओ क्या है? आर, व्हाट इज आर? ये क्या है? आई, व्हाट इज आई? इंटेंसिटी। इधर चलोगे तो इंटेंसिटी घटेगी कि बढ़ेगी? इधर रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा कि बढ़ेगा? ऑलरेडी ग्राफ में लो इंटेंसिटी है, पहले से बोलो क्या है? लो। अगर लो इंटेंसिटी है, अगर लो इंटेंसिटी है भाइयों बहनों, तो जरा मुझे बताओ इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस घटेगी कि बढ़ेगी? हाँ बताओ कितनी इंटेंसिटी पड़ जाए? 10%। पार का कितना? तो बताओ फोटोसिंथेसिस के लिए मिनिमम मैक्सिमम की सैचुरेशन, सैचुरेशन उस टाइम पर वी मैक्स, व्हाट इज वी मैक्स? रेट ऑफ रिएक्शन, मिनिमम की मैक्सिमम? चिल्लाए बिना आता ही नहीं। अब बताओ ये वाला जोन जो है वो लाइट, लो लाइट इंटेंसिटी की हाई? लो लाइट। क्या ये वाला जोन ट्रांजिशन है जहां पर लो लाइट धीरे धीरे हाई हो रही है और ये वाला हाई लाइट? तो अगर ग्राफ यू शुरू हुआ होता भाइयों बहनों, यहां से शुरू हुआ होता ग्राफ, यहां होता ही नहीं। तो अगर ग्राफ यहां होता ही नहीं और ये होता रेट ऑफ रिएक्शन और ये होता इंटेंसिटी, अब इंटेंसिटी बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता कि नहीं बढ़ता? क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि ये लो है कि हाई? तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस कब बढ़ेगी? हाई पर कि लो पर? इसीलिए ग्राफ का दूसरा हिस्सा जानना जरूरी है, जहां पर लाइट इंटेंसिटी लो है तो लो लाइट इंटेंसिटी में इंटेंसिटी बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। तो ये रीजन,
लो लाइट, ए वाला रीजन लो लाइट, बी वाला ट्रांजिशन, सी वाला हाई लाइट, ये क्या है सैचुरेशन, ये है मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन, अभी भी नहीं है। जब इधर ध्यान लगाओगे तभी समझ में आएगा, इधर उधर ध्यान लगाओगे तो ध्यान चला जाएगा। तो बताओ हाई लाइट इंटेंसिटी पर रेट ऑफ रिएक्शन लाइट पर डिपेंड, लाइट पर डिपेंड करेगा लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन लाइट पर डिपेंड, कारण बताओ, क्योंकि लाइट वहां पर लिमिटिंग नहीं है। और ब्लैक मैन दादा मर गए कह कह के कि सब पर डिपेंड करेगा लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन उसी पर डिपेंड करेगा जो अपनी मैक्सिमम पे हो कि मिनिमम पे। चिल्लाओ मेरे साथ, बिना चिल्लाए आएगा नहीं, क्या बताओ, रिएक्शन का रेट नहीं बोल रहा हूं पर बोल रहा हूं फोटोसिंथेसिस, क्या क्या फोटोसिंथेसिस एज ऑफ लीफ पर डिपेंड करती है, साइज पर, ओरिएंटेशन पर, क्लोरोप्लास्ट पर, क्लोरोफिल पर, इंटरनल CO2 पर, लाइट पर, टेम्परेचर पर, वाटर पर, CO2 पर, सब पर डिपेंड करती है। क्या सब पर फोटोसिंथेसिस डिपेंड करती है? यस सर। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन सब पर डिपेंड नहीं करता, सब पर डिपेंड करना अलग बात है, रेट ऑफ रिएक्शन अलग बात है। नहीं आया? कोई कहे CO2 के बिना फोटोसिंथेसिस हो जाएगी? नहीं, वो उसके बिना नहीं हो पाएगी, यानी उस पर भी डिपेंड करती, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? सारे फैक्टर पर कि किसी एक पर? और वो जो कैसा है मिनिमम, बताओ हाई लाइट इंटेंसिटी पर लाइट इंटेंसिटी मिनिमम की मैक्सिमम, मैक्सिमम, इसलिए उस पे रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन रेट नहीं डिपेंड करेगा तो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा, लेकिन रेट उस पे डिपेंड, उस पे डिपेंड करेगा जो मैक्सिमम है कि मिनिमम, मिनिमम। तो लो लाइट इंटेंसिटी पर लाइट इज मिनिमम, तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा 10% तक जाते जाते सैचुरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। इसके बाद आप कुछ भी करो, आप जरा डायग्राम के सारे पॉइंट पढ़ाने, और जिनको जमाई आ रही है मेरा दोस्त नहीं है बेटा, तुम टीचर नहीं, तुमको चाहिए लाउड स्पीकर और तुम्हें रामलीला सुननी, और कुछ नहीं, और यही हो गया हमने। बताओ ये कौन सा है? डी, ये अच्छा, बाकी बताना है, ये वाला ए, ये वाला बी, और ये वाला, अभी सब पूछ रहा हूं मैं ए बी सी के काका, बताओ ये मिनिमम की मैक्सिमम क्या? मैक्सिमम रेट है, कब मिलेगा? जब बंदा 10%, क्या ये सैचुरेशन है? लाइट का सैचुरेशन 10% है, इसके बाद हाई लाइट की लो, हाई लाइट इंटेंसिटी है, सब अच्छे बच्चे, ये हाई लाइट इंटेंसिटी है ना, और ये वाला लो, लो लाइट इंटेंसिटी है, बताओ दो प्रकार के जोन है, एक हाई लाइट इंटेंसिटी और एक लो लाइट, और इसके बीच में सैचुरेशन है, सैचुरेशन पार है, उसी बीच में कौन सी जोन? ट्रांजिशन। तो ये स्लोप हाई लाइट इंटेंसिटी पर है, यानी इंटेंसिटी नहीं, हाई की लो, लो इंटेंसिटी बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है धीरे धीरे मैक्सिमम, फिर आप कुछ भी बढ़ाओ। एक बात को जो 15 मिनट में खत्म कर देनी चाहिए थी, 5-7 मिनट में खत्म कर, 20 मिनट लगा दिए। जब तक तुमको 5 बार ना बोला जाए तुम्हारी आदत हो गई, सुनील सर से तो पढ़ना है, 5 बार ये बोलेगा तभी आएगा, पहली बार लाइटली लेते हो ठीक है चिल्लाने दो, पहली बार तुम सुनते नहीं, इधर उधर की बात करते हो, हाँ क्या लाए, खाने वाने में कुछ लाए, अभी सुनील सर को जाकर बोलने दो, 5वीं बार समझ में आई जाए। और इससे बिजनेस में इफेक्ट होता होता गुरु, एक ही बार पढ़ाते, और जैसे ही एक बार पढ़ाएंगे बाहर निकलोगे, आज पता नहीं कि सर का क्या मूड था, कुछ समझ में नहीं है, अरे पगले सर को उतना ही आता है, तुम्हारा दिमाग केंद्र पे नहीं है, तुम्हारा केंद्र से अलग अलग हट गया है, ये लाइट खत्म, लाइट के बाद क्या आया? CO2 कंसंट्रेशन, CO2 कंसंट्रेशन, पहले CO2 कंसंट्रेशन से कुछ डाटा। भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सोना, मेरे बाबू, ध्यान से, बोलते हैं एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन जो है वो 21% है,
दोनों मिलाकर 99% का वह पोर्शन रखते हैं, 1% में रेस्ट ऑफ गैसेस है, और इन्हीं रेस्ट ऑफ गैसेस में हमारी CO2 है जो 1% में है कि 1% से कम है। तो ऐसा देखा गया है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 0.03% से लेकर 0.04% के बीच में कहीं पर लाई करती है, 0.03% से लेकर 0.04% तक लाई करती है। और बोल रहे चूंकि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए पॉल्यूशन में भगवान की दया से हमको बड़ी उपलब्धि मिल रही है कि हमारी CO2 कंसंट्रेशन धीरे धीरे 0.04 से 0.05 की तरफ जा रही है, और एक दिन जब हम 0.05% तक पहुंच जाएंगे तो ये एक टॉक्सिक कंसंट्रेशन होगी। कैसी होगी? टॉक्सिक। इसके आगे बढ़ना मतलब फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल डाटा है जो यहां से उठाए गए। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, ऑक्सीजन 21, 78 में 21 जोड़ो 99, रेस्ट ऑफ द गैसेस, इसी में CO2 का परसेंट कितना, 0.03% से 0.04%। और बोलते हैं 0.03% से 0.04% के बाद भी CO2 बढ़ती ही जा रही है क्योंकि हम लोग पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्या ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं? ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे बड़ी वाली मम्मी वाली गैस CO2 जितनी बढ़ेगी उतना ज्यादा पॉल्यूशन होगा। अब बोलते हैं, ध्यान सुनना, एट लो लाइट इंटेंसिटी, अब इसका जो भी कोई बता देगा, एट लो लाइट इंटेंसिटी ऑन इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड नो इफेक्ट विल हैपन। इस क्वेश्चन का जवाब सारे लोग बताएं, क्यों? कुछ लोग बैठेंगे सर हमको नहीं समझ में आया, फिर से सुन लो, एट ऑन इंक्रीजिंग CO2 कंसंट्रेशन नो इफेक्ट, क्यों? क्योंकि एट लो लाइट इंटेंसिटी में लाइट इज लिमिटिंग, लाइट इज, और लाइट इज लिमिटिंग, और तुम बढ़ा क्या रहो? तो रेट ऑफ रिएक्शन CO2 पर डिपेंड करेगा कि लिमिटिंग पर? लिमिटिंग पर। कौन सा? लाइट पर डिपेंड करेगा। तो कहते हैं लो लाइट इंटेंसिटी पर CO2 बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। एक बार लाइट वाला डायग्राम फिर से देखो, छठी बार, पता नहीं तुम क्या समझोगे। ये है लाइट इंटेंसिटी, व्हाट इज LI? इट इज R, और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन लाइट। इस वाली जोन पर लो लाइट है कि हाई लाइट? लो लाइट। फिर से बोलो, लो लाइट इंटेंसिटी पर आप लाइट नहीं बढ़ा रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, आप बढ़ा के रहो CO2। NCERT बड़ी मुश्किल किताब इसीलिए क्योंकि आप लोग दो लाइनों को बीच में अंतर नहीं समझता। एट लो लाइट इंटेंसिटी लाइट इज लिमिटिंग और तुम बढ़ा के रहो तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि रेट लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बोलता है किसको बढ़ाया जाए। लिमिटिंग फैक्टर कौन है? लाइट। लाइट बढ़ाओ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, तुम बढ़ा क्या रहे हो CO2। तो फिर कहते हैं लो लाइट इंटेंसिटी पर CO2 बढ़ाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर क्या होगा? बोलते हैं एट हाई लाइट इंटेंसिटी, एट हाई लाइट इंटेंसिटी अगर लाइट इंटेंसिटी हाई हो गई, बताओ आप किस जोन पे आ गए? बताओ ये लो लाइट था कि हाई लाइट? लो लाइट। और ये हाई लो लाइट था? यस सर। ये क्या हो गया? हाई लाइट। हाई लाइट इंटेंसिटी आने पर लाइट बढ़ाने पर कोई फर्क नहीं, क्योंकि कोई दूसरा फैक्टर लिमिटिंग हो गया है। यस सर।
मैं भी ये फैक्टर कौन है? CO2। बोलो कौन? CO2। तो एट हाई लाइट इंटेंसिटी ऑन इंक्रीजिंग, ऑन इंक्रीजिंग क्या लाइट की CO2, बिकॉज CO2 बिकम लिमिटिंग। मैंने यहीं पर लिखा था सम अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग, याद आया? Yes, सम अदर फैक्टर क्या हो सकता है? CO2 या फिर वाटर या कुछ भी, यहां पर कौन है? CO2। तो एट हाई लाइट इंटेंसिटी ऑन इंक्रीजिंग CO2, ऑन इंक्रीजिंग CO2 रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस। ग्राफ में हम लोग इतने कच्चे होते हैं पीएमटी वाले खासकर, कि अभी इसी ग्राफ में कोई बच्चा मुझसे आकर पूछेगा कि सर अच्छा ठीक है ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये लाइट इंटेंसिटी और यहां पर सर CO2 इंक्रीज कर रहे, तो सर CO2 इंक्रीज कर रहे तो ग्राफ सीधा क्यों जा रहा है, इसको फिर बढ़ना चाहिए। तो मैं कहूंगा क्योंकि ये ग्राफ किसके बीच में है? लाइट इंटेंसिटी। और अगर इसी जगह पर, ठीक इसी जगह पर, इसी कंसंट्रेशन ऑफ लाइट पे मैं दूसरा ग्राफ बनाऊं और वो ग्राफ किसके किसके बीच में हो, रेट ऑफ, इसी जगह पे बना रहा हूं, इसी जगह पर रेट ऑफ CO2 कंसंट्रेशन पे, तो ऑन इंक्रीजिंग CO2 कंसंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। अब बताओ ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों एक ही है कि अलग है? ये किसके साथ है? लाइट इंटेंसिटी एंड रेट, और ये कौन है? CO2। यानी इस पॉइंट पर आकर लाइट लिमिटिंग, कौन लिमिटिंग हो गया? CO2। तो CO2 बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और इसका भी एक सैचुरेशन आएगा? नो सर। और अगर इसका सैचुरेशन आ गया दोस्तों तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगा और इस पॉइंट पर कोई अदर फैक्टर हो जाएगा, लाइट पहले से ही लिमिटिंग नहीं बचा, CO2 भी लिमिटिंग नहीं बचा, अब हो सकता है वाटर लिमिटिंग हो जाए। यस और नहीं? अभी नहीं आया, बताओ अब ये लो लाइट इंटेंसिटी है कि हाई लाइट? तुम पागल हो, नाउ इट इज हाई लाइट, ये भी हाई लाइट, लेकिन CO2 के रेस्पेक्ट में इट इज लो CO2, हाई CO2, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, यकीन मानो कुछ नहीं आ रहा, आ रहा है? मैंने पहले ही ग्राफ को लाइट के रेस्पेक्ट में यहां से कर दिया, इस किस जोन में पहुंच गए? हाई लाइट। तो ये भी हाई, ये भी हाई, लेकिन इस हाई लाइट में CO2 कम, तो CO2 बढ़ाने लगे, तो बताओ ये क्या है? लो CO2 और ये हाई CO2। तो बोलते हैं अगर CO2 की कंसंट्रेशन 0.05% पहुंच जाए, कितना? 0.05। इसके बाद अगर बढ़ाया तो बताओ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? नहीं। तो कितनी जोन तक बढ़ेगी? 0.03 से 0.04, और कितना? तो यहां से 0.03 से चालू करेंगे और 0.05 तक जाएंगे, 5 पर क्या होगा? मैक्सिमम। उसके बाद भी CO2 बढ़ाई तो क्या हो जाएगा? टॉक्स, फोटोसिंथेसिस बढ़ने की बजाय घटने लगेगी। यस और नो? यस सर। नहीं, फिर से बताओ क्या बोला, एक बार और बताओ, बोल। भगवान तुम्हारे दिमाग में ताकत दे, ईश्वर करे कि आपको समझ में आ जाए। पहला ग्राफ किसके बीच में था? लाइट इंटेंसिटी और रेट। यहां पर CO2 कंसंट्रेशन में कोई फर्क? लाइट बढ़ाने चला, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा, इसके बाद लाइट मिनिमम की मैक्सिमम, लाइट लिमिटिंग, इस पॉइंट पे कोई और लिमिटिंग हुआ? वो कौन है? CO2। CO2 बढ़ने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा, 0.03 से चला 0.04 तक काफी मैक्सिमम हुआ, 0.5 के बाद अगर गए तो टॉक्सिक। पक्का? इसका मतलब और आगे बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन और बढ़ाने पर टॉक्सिक हो जाएगी, बजाय बढ़ने के क्या होगा? पर बुक कहती है, भाइयों बहनों संभालो अपने आप को, बुक कहती है कि CO2 का इफेक्ट C3 और C4 दोनों में अलग अलग है, किसी को मतलब नहीं है क्या अलग अलग है, हम भी बैठ जाते हैं और इधर देखा मम्मी का समय जब तक मैं ना कहूं। अब बताओ फोटो रेस्पिरेशन कब होता था? कब होता था पता नहीं,
कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा, जब होता होगा हमको परेशान लगता होगा। फोटो रेस्पायरेशन कब होता था? जब CO2 ऑक्सीजन ज्यादा, और कैसे प्लांट में? C3 प्लांट में क्या होता है? फोटो रेस्पायरेशन। कम जब CO2 क्या हो? कम। तो ये CO2 कम चाहेंगे कि ज्यादा? इसका मतलब ज्यादा CO2 किसे चाहिए? C4 को। मार पड़ेगी बेवकूफ, मजाक में ले रहे हो ऐसा। एक क्वेश्चन आएगा -4 -5। C3 कहता है कि मेरे अंदर डर है कि मैं क्या कर बैठूंगा, और ये तब होगा जब CO2 कम हो। तो मुझे CO2 कम क्या चाहिए? ज्यादा। इसका मतलब मैं CO2 सेचुरेशन कम में करता हूं कि ज्यादा में? ज्यादा में। और C4 ये कहते हैं कि मैं तो लो CO2 में भी रह लेता हूं, क्योंकि भगवान ने मुझे क्रेंज एनाटॉमी दी है। क्या दी है? इसका मतलब आई नीड हाई CO2 की लो CO2। इसीलिए दोनों के CO2 सेचुरेशन पॉइंट एक अलग अलग के सेम अलग अलग। इसीलिए पुक बोलती है कि सेचुरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C3 प्लांट इट विल बी 450 माइक्रोलीटर पर लीटर ऑफ गैसेस। L-1 दिया होगा, μL L-1 मतलब पर लीटर। एक लीटर गैसेस में अगर कार्बन डाइऑक्साइड का 450 माइक्रोलीटर हो तब जाकर सेचुरेशन आएगा किसमें? C3। और वहीं C4 प्लांट में सेचुरेशन 360 माइक्रोलीटर पर लीटर ऑफ गैसेस में हो जाता। यानी कौन लो CO2 पे? C4। और कौन हाई CO2 पे? तो बोलते हैं पॉल्यूशन अभी इतना नहीं बढ़ा। आग जोड़ रहे क्योंकि NCERT की लाइन तुम संभाल नहीं पाओ। पॉल्यूशन अभी इतना नहीं बढ़ा है कि CO2 कंसंट्रेशन 450 माइक्रोलीटर पर लीटर तक पहुंच सके। समझे? इसका मतलब सेचुरेशन अभी किसका नहीं आया है? C3। यानी इस समय पर सेचुरेशन की तरफ कौन बढ़ रहा है? C4 प्लांट, क्योंकि C4 प्लांट में सेचुरेशन हाई कंसंट्रेशन की लो। इस हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग किनके लिए नहीं है? C4। किसके लिए है? C3। और घर में जाके बड़ा बड़ा अंडरलाइन करना जहां पर लिखा हो कि CO2 कंसंट्रेशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर इज लिमिटिंग फॉर C3 प्लांट। फिर से सुनो, C3 प्लांट कहते हैं कि मुझे CO2 ज्यादा चाहिए। अगर मुझे CO2 ज्यादा नहीं दी तो मैं क्या कर बैठूंगा? फोटो रेस्पायरेशन। इसलिए मेरी अडाप्टेबिलिटी है हाई CO2 में फोटोसिंथेसिस करने की। किसकी? C3 की। और C4 कहते हैं कि मैं लो CO2 कंसंट्रेशन में काम कर लेता हूं। आप मुझे कम CO2 दो, मुझे फोटो रेस्पायरेशन करना नहीं, मुझे लो CO2 कंसंट्रेशन में काम करना आता है। तो बोले भैया CO2 बढ़ाने पर सेचुरेशन तुम दोनों पे इक्वल पे मिलेगा कि अलग अलग? बोले अलग अलग। मेरे लिए सेचुरेशन 360 माइक्रोलीटर पर लीटर में हो जाएगा अगर एक लीटर गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड 360 माइक्रोलीटर है। तो याद रखना कौन सेचुरेट हो जाएगा? C4। लेकिन C3 कहते हैं मैं 360 माइक्रोलीटर में नहीं सेचुरेट हूंगा, मुझे और चाहिए। कितने चाहिए? 400। यानी बढ़ती हुई CO2 किसको फेवर कर रही है? यानी आने वाले टाइम पर कौन से प्लांट प्रचुर मात्रा में बढ़ जाएंगे? C3 बढ़ेंगे। C4 नहीं, C3। एंड व्हाट एन पैराडॉक्स जगाओ ने। एक बड़ा पैराडॉक्स है, सुनोगे तो आएगा, नहीं सुनोगे तो मरोगे। और ये पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास कि CO2 जैसे जैसे बढ़ेगी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर पर C3 सर्वाइव।
कर पाएगा नहीं, कौन बढ़ेगा? सी हो। तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में लगता है कि आने वाला समय किसका है, और CO2 कंसंट्रेशन के सी थ्री का। तो वैज्ञानिक अभी कंफ्यूज हैं कि पता नहीं आने वाले समय पे सी थ्री ज्यादा होंगे कि सी हो, पर फिलहाल आज की CO2 कंसंट्रेशन किसके लिए लिमिटिंग है, किसके लिए सैचुरेशन नहीं है सी, किसके लिए सैचुरेशन नहीं है सी थ्री, किसके लिए सैचुरेशन की तरफ सी हो, तो किसके लिए लिमिटिंग है। क्या ये एनसीईआरटी में लाइन मिली? अंडरलाइन करो। अंडरलाइन कर लो। फॉर द प्रेजेंट ए CO2 कंसंट्रेशन इज अ लिमिटिंग फॉर सी थ्री प्लांट। नहीं आया? ये जो है एनसीईआरटी की एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और किसी भी दिन ये क्वेश्चन बन सकता है, और ये बनेगा, पक्का बनेगा, किसी ना किसी दिन ये क्वेश्चन आएगा। और आप कहोगे सर कहां लिखा, तब मैं कहूंगा मैंने एनसीईआरटी में अंडरलाइन कराया था। अब बताओ CO2 कंसंट्रेशन एनवायरमेंट में कहां से कहां वेरी कर रही है? 0.03% से 0.03 से 0.04 तक जाने पर फोटोसिंथेसिस बढ़ रही है। yes, और कब तक बढ़ सकती है? 0.05 उसके आगे और बढ़ाओगे तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पॉल्यूशन हो जाएगा। yes, फिर सुनो, एट लो लाइट इंटेंसिटी, एट CO2 बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि लो लाइट इंटेंसिटी पर लाइट इज लिमिटिंग, नॉट द CO2। और तुम बढ़ा क्या रहे? तो रेट ऑफ रिएक्शन उसको बढ़ाने पर बढ़ेगा जो लिमिटिंग है। कौन लिमिटिंग है? तो बढ़ा क्या रहे? CO2। पर अगर तुम गए हाई लाइट पर, किस पे? अब बताओ कौन लिमिटिंग नहीं है? लाइट। कौन लिमिटिंग हो गया? CO2। सम अदर फैक्टर में CO2 हो सकता है? Yes, अब CO2 बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक सैचुरेशन ना। और C3 और C4 दोनों में सैचुरेशन इक्वल की अनिक्वल? किन्हें CO2 ज्यादा चाहिए? C3, क्योंकि उन्हें CO2 कम मिली तो वो फोटो रेस्पिरेशन कर देंगे। yes, और किसे CO2 कम चाहिए? C4, और दोनों का सैचुरेशन एक की अलग अलग। एक है 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, एक लीटर ऑफ डिफरेंट गैसेस में, एक लीटर ऑफ डिफरेंट गैसेस में CO2 360 माइक्रोलीटर आ जाए। माइक्रोमीटर की माइक्रोलीटर? तो बताओ माइक्रोलीटर अगर आ जाए तो बताइए सैचुरेशन आएगा? yes, किसमें? C3 में, C4। और बताओ C3 में 400। तो पहले बताओ सैचुरेशन में कौन आएगा? C4। बाद में C3। इसका मतलब बढ़ती हुई CO2 किसे सैचुरेशन पे ला रही है? C4 को ला रही है। और किसको अभी नहीं ला पाई? C3। इसका मतलब C3 के लिए प्रेजेंट डे CO2 लिमिटिंग है। ज्यादा है कि कम है? कम है। वो और CO2 चाहता है? yes, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की कमी अगर पूछी जाए तो किन पौधों को है? C3 की C4। इसलिए आने वाले समय पे पॉल्यूशन बढ़ेगा। yes, CO2 बढ़ेगी। yes, कौन सैचुरेट हो जाएंगे? C3 और C4। कौन किसके लिए फेवर होगा? C3। लेकिन एक पैराडॉक्स, विरोधाभास है कि CO2 बढ़ाने पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर कभी C3 को फेवर? किसे फेवर? C4। तो क्या ये कंफ्यूज स्टेट है? yes, कि C3 आएंगे कि C4? फिलहाल कोई भी आए, लेकिन आज अभी किसके लिए लिमिटिंग है? C3 के लिए कि C4? C4। दो फैक्टर हो गए। yes, और इनको हल्के में मत लेना, दोनों ध्यान से देखना। तीसरा है हमारे पास टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। खड़े हो, लाल टोपी, नीली टोपी वाले ने लाल टोपी वाले को उठाया। फोटोसिंथेसिस कितनी रिएक्शन बोलो? C3 C4। वन इज नोन एज लाइट रिएक्शन।
हमारे हिस्से में आए थे घोंगा प्रसाद, और दूसरा डार्क रेड। चाहे हम कुछ हो पढ़ा लें, लेकिन हमारे बच्चे यही बोलेंगे, जो उनके मूड में वही बोलेगा। और इसका केवल एक है कि मिट्टी तैयार है, चाक तैयार है। चाक समझते हो? दैट इज नोन एज कुम्हार की चाक। और चाक चल भी रही है और मिट्टी उस पर सेप भी ले रही है, सेप पे घड़ा बन भी रहा है। बस एक अंतर है, सेप ऑफ घड़ा इज नॉट गुड। कब तक? जब तक ठोका नहीं जाए। ठोकना ही पड़े, और अगर ठोक दिया जाए सही ढंग से तो एकदम घड़े की सेप बहुत बढ़िया है। अब भाई दो ही कंटाप पड़ेगी, कितनी रिएक्शन तो बोलो सर। एक कौन सी? लाइट। अरे लाइट रिएक्शन ग्रेना के स्ट्रोमा, डार्क रिएक्शन। ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से। स्ट्रोमा वाली जो रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम की प्रेजेंस में है, एंड एंजाइम्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट, एंजाइम टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। यस और नो? बैठ जाइए। अब कौन 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 कौन? हाँ बेटा खड़े हो। एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के साथ क्या ग्राफ है? इट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम प्लस टेम्परेचर। कैसा ग्राफ था? डरो नहीं, पहली बात तो डरो नहीं। पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आधे बच्चे डर जाते हैं, इसलिए मैं उठाता ही नहीं। बैठ जा, बैठ जा। एडमलिन रस बढ़ गया बेचारी का, आंखें एकदम बड़ी होने लगी, हाथ पैर कांपने लगे, पता नहीं कौन सी बेइज्जती कर दे। पहली बार तो बेइज्जती मैं करूंगा नहीं, बेइज्जती मैं केवल मुस्टंडो भी करता। बिटिया मैंने पढ़ाया था, याद करो, देयर इज अ ऑप्टिमम टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। एक तो एक रेंज होता है जहां पर टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को मैक्सिमम करता है। अगर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, फिर मैक्सिमम, फिर घटेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती भी है, मैक्सिमम भी होती है, घटती भी है। तो अगर मैं लो टेम्परेचर से शुरू करूं, कौन सी? तो मैं बताओ, ग्राफ में इधर से शुरू कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन ऑप्टिमम पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा बढ़ेगा, ऑप्टिमम के बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। और ये उन पर डिपेंड करेगा जहां एंजाइम, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर का रोल लाइट रिएक्शन में ज्यादा कि डार्क? तो डार्क रिएक्शन इज मोर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंज। डार्क रिएक्शन टेम्परेचर चेंज से ज्यादा अफेक्टेड है, क्योंकि वो एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। लाइट रिएक्शन दे आर लेस इफेक्टेड और लेस अफेक्टेड। लाइट रिएक्शन में टेम्परेचर का अफेक्ट करना कम है, क्योंकि वहां एंजाइम ज्यादा नहीं है। और लाइट टेम्परेचर का इफेक्ट डार्क रिएक्शन पे ज्यादा है, जस्ट बिकॉज इन रिएक्शन पर कौन इन्वॉल्व है? एंजाइम। प्रतीक खड़े हो बेटा, ऐसा मुंह मत बनाएगा वरना पूछना बंद कर दूंगा मैं। सच में अगर जब भी कोई ऐसा बच्चा करता जैसे मैंने पूछ लिया तो मुंह बनाता, तो मैं कहता हूं बैठ जा, बैठ जा, बैठो। बट नहीं 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 पूछे। यस, अपने आगे वाले को खड़ा कर। तुम भी मुंह बनाओगे? तुम बनाओगे तो डंडा भी पड़ेगा। बेटा मैंने आपको पढ़ाया था क्यूटेक, बस मुझे बता दो व्हाट इज क्यूटेक। पोटेंशियल। आंचल। व्हाट इज क्यूटेक? यस, एक कंटाप पड़ेगा ना, सब सुधार हो जाएगा तुम्हारा।
मेगा, व्हाट इज क्यू टेन? हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल होती है। अगर वो रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, एंजाइम, तो ये क्यूटेन वाली बात लाइट रिएक्शन पे लगेगी, डार्क डार्क। एकदम सुधर जाओ, पीछे का पड़ा हुआ एकदम इसी साल सिलेक्शन लेना है तो, और इस साल हो सकता है, अभी 5 महीने हैं, फरवरी मार्च अप्रैल मई, 4 तो हैं, 5वें महीने में जाएगा एग्जाम, अभी जनवरी भी 15 दिन है, पुराना रिपीट किए बिना मत बैठो, यहां बैठो बैठो। Q10 इज द ऑन एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मान लो 10 डिग्री टेम्परेचर पर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेट R था, तो 20 डिग्री पर क्या ये 2R होगा? Yes, sir. क्या 30 डिग्री पर ये 3R होगा? Yes, sir. 30 डिग्री पर 4R क्या होगा? 4R. अपने प्रीवियस से डबल। और ये कब तक जाएगा? जब तक क्या ना आ जाए, ऑप्टिमम। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। अब मैं क्या पढ़ा दूं इसमें जो तुमको मैंने ना पढ़ाया हो? सब कुछ पढ़ा चुका हूं। मैं कह देता कि फोटोसिंथेसिस में एंजाइमेटिक रिएक्शन बिल्कुल वैसे डिपेंड होंगी जैसे एंजाइम पर टेम्परेचर का रोल था, इतना कह के घर चले जाए, मुंह बना के बैठ जाओगे, सर ने टेम्परेचर वाला नहीं पढ़ाया। और जाकर एनसीईआरटी में यही लिखा है, बताओ कितने प्रकार के रिएक्शन? 2। एक कौन? लाइट रिएक्शन। 1। कौन ज्यादा टेम्परेचर डिपेंडेंट है? कौन कम? लाइट रिएक्शन टेम्परेचर कम डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इसमें एंजाइम का ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन ज्यादा रोल किस में? एंजाइम पर ज्यादा रोल है, डार्क डार्क रिएक्शन में एंजाइम, रुबिस्को जैसे एंजाइम है, और ये टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अपना रेट ऑफ रिएक्शन वेरी करते। और फिर मैंने बोला Q10, व्हाट इज Q10? इट इज नोन एज ऑन इंक्रीज ऑफ 10 डिग्री, एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट ऑफ रिएक्शन विल डबल। याद रहेगा? दिस वॉज द टेम्परेचर गिवन इन योर एनसीईआरटी, 4 या 5 लाइनें टेम्परेचर में दी हैं, देखो अपनी बुक, 4-5 लाइनों से ज्यादा नहीं दिया है, मेन रूप से गिन रहे हैं, 5, 3, 8 7, 8, 9 टेम्परेचर जोड़कर सर 9, 10 बताओ कितने फैक्टर पढ़ा दिए? 3। पहला लाइट पढ़ लिया, दूसरा CO2 पढ़ लिया, तीसरा टेम्परेचर, चौथा वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर अवेलेबिलिटी खड़े हो इसका जवाब दो, वाई फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन दे आर कंप्रोमाइज, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन ये कंप्रोमाइज क्यों है? बिल्कुल बाकी लोग शांत रहेंगे, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपायरेशन आर कंप्रोमाइज। कोई मतलब नहीं, बेकार, 2 कौड़ी का जवाब। रवि नहीं है, सरदर्द, चित्रांश बाबू खड़े हो, फोटोसिंथेसिस करने के लिए फोटो लॉस करना पड़ेगा। यस बिल्कुल सही है,
क्योंकि हमें पानी कहाँ चाहिए, जड़ों में कि पत्तियों में? और पत्तियों में पानी पहुंचाने के लिए अगर जेट पंप लगा है, लगा है कि नहीं लगा? नहीं लगा। इसका मतलब यहां पर जो पानी आ रहा है इसको यहां पर ही रखना कि पत्तियों तक? पत्तियों तक पहुंचाना है। और यहां से जेट पंप है, हार्ट है, हार्ट है, तो पत्ती खुद इंतजाम करेगी। पत्ती क्या करेगी? ट्रांसपायरेशन करेगी। यहां से ट्रांसपायरेशन पुल पैदा होगा, वो पानी को खींचेगा, लगभग 98% वाटर लॉस हो जाएगा ट्रांसपायरेशन में। जो 2% बचा है उसका 1% किसमें आएगा? फोटो से। तो बोलते हैं पानी की जनरली कमी नहीं होती, जनरली पानी इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, लेकिन वाटर की अवेलेबिलिटी कभी कभी कम हो जाती। बोले कब? रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मोर देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो जितना पानी पिया जा रहा उससे ज्यादा निकाला जा रहा। बैठिए, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए पानी यहां पहुंचाना पड़ेगा। तो बोलते हैं वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी डायरेक्टली ज्यादातर समय पर कोई रोल नहीं शो करती, नो रोल डायरेक्टली। वाटर अवेलेबिलिटी कभी भी डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पे ज्यादा रोल नहीं फॉलो करती, पर इनडायरेक्टली इसका रोल बहुत तगड़ा है। इसका रोल इनडायरेक्टली बहुत तगड़ा है। क्या तगड़ा है? खड़े हो, हाँ, कि मान लो वाटर एब्जॉर्प्शन है कम और वाटर ट्रांसपिरेशन है ज्यादा, तो पौधे में एक स्थिति पैदा होगी, उसका नाम स्ट्रेस कंडीशन पैदा होगी। कौन सा? और इस स्ट्रेस कंडीशन में विल्टिंग नहीं होगी, एक हार्मोन निकलेगा एबीए। व्हाट इज एबीए? नो डाउट विल्टिंग भी होगी, लेकिन मैं ये सुनना चाहता हूँ कौन सा? एब्सिसिक। और ये एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज कर, हाँ, और स्टोमेटा क्लोज हो गए तो ट्रांसपायरेशन कम हो गए, वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन स्टोमेटा क्लोज होने से एक दुविधा उत्पन्न होगी, और वो ये है कि इन्वायरमेंट की CO2 उसी स्टोमेटा से अंदर जाती थी, तो अगर स्टोमेटा बंद है तो CO2 अंदर आएगी कि नहीं आएगी? और CO2 अगर अंदर नहीं आई तो बताओ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जुड़कर फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? तो वाटर की अवेलेबिलिटी तो फिर भी मेंटेन कर ली गई, कैसे? एब्जॉर्प्शन उतना ही और ट्रांसपिरेशन कम, कैसे कर लिया गया? एफसीसी एसिड ने किसको बंद कर दिया? स्टोमेटा बंद कर दिया, ट्रांसपिरेशन कम, जो वाटर था वो अवेलेबल हो गया, अवेलेबल हो गया, लेकिन वाटर अवेलेबल करने के चक्कर में स्टोमेटा बंद हो गए, और स्टोमेटा बंद हो गए तो क्या आना बंद हो गया? CO2। और CO2 आना बंद हो गया तो फोटोसिंथेसिस चलेगी कि नहीं चलेगी? और ये क्वेश्चन 2 या 3 साल पहले नीट में पूछा गया, 3 साल पहले नीट होने लगा था, 1 साल हुआ नीट, और बोला गया कि वो स्टोमेटा जिनसे वाटर वेपर बाहर निकल रही है, यही क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, उन्हीं स्टोमेटा से CO2 अंदर आती है, और दोनों एक दूसरे के आवागमन में कोई भी टेंशन, कोई भी रुकावट पैदा क्यों नहीं करते? इसलिए पैदा नहीं करते क्योंकि वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, और CO2 अपने हायर से लोअर की तरफ जा रहा है, और दोनों का हो रहा है डिफ्यूजन। बोलो क्या नाम? और दोनों का डिफ्यूजन खुद पे डिपेंड करता है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। तो तुम चाहे जितना बाहर निकल जाओ, मैं तो अपनी हायर से लोअर और तुम अपने हायर से लोअर, इसका मतलब दोनों का डिफ्यूजन कोफिशियंट सेम है कि अलग अलग? और दोनों का डिफ्यूजन कोफिशियंट किसी पे डिपेंड नहीं। दिस वॉज द ब्रिलियंट क्वेश्चन कि जिस स्टोमेटा से वाटर वेपर बाहर आ रही है उसी स्टोमेटा से CO2 अंदर जा रही है, लेकिन बाहर आती हुई वाटर वेपर कभी अंदर जाती हुई CO2 को नहीं रोकती, क्यों?
क्योंकि ये डिफ्यूजन है, मास फ्लो नहीं है। क्या नहीं है? मास फ्लो में तो सब लोग एक ही स्पीड में बढ़ते हैं, और डिफ्यूजन में लोग बढ़ते हैं पांच चीजों पे डिपेंड होकर। याद है? बोलो। कंसंट्रेशन, काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर और साइज। किसकी? दूसरे की? खुद की? खुद की कंसंट्रेशन, खुद का प्रेशर। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर टू लो प्रेशर, हाई कंसंट्रेशन टू लो प्रेशर, हाई से लो। किसके? दूसरे की? खुद की। इसका मतलब दोनों का डिफ्यूजन कोफिशियंट सेम है कि अलग अलग, और सब अपने डिफ्यूजन कोफिशियंट की तरफ जा रहे हैं। यानी कि अगर मेरे पास परफ्यूम है और मैंने परफ्यूम ओपन किया, तुम्हारे पास सड़ा हुआ अंडा है, तुमने उसे फोड़ा, तो मेरे परफ्यूम की वजह से तुम्हारे सड़े अंडे की बदबू मेरे पास नहीं आएगी। इसलिए जो लोग क्या करते हैं, चूहा मरने पर रूम फ्रेशनर डालते हैं, उससे कोई फर्क रूम फ्रेशनर डालने पर थोड़ी देर क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि उस समय पर रूम फ्रेशनर की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो अडाप्टेबिलिटी के अनुसार आपका रूम फ्रेशनर थोड़ी देर के लिए ज्यादा इफेक्ट मारता है, लेकिन थोड़ी देर बाद कहानी वही की वही। तो इत श्री तृतीय अध्याय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, फोटोसिंथेसिस खत्म, रेस्पायरेशन नहीं, नहीं पढ़ना। अच्छा ईमानदारी से बोलना, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूंगा। कितने लोगों को नहीं पढ़ना? कितने लोगों को पढ़ना? अरे बच्चे कितने लोग कंफ्यूज है। पढ़ा दोगे तो पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ा हमें मालूम है तुम्हारा पढ़ाना, इतना पढ़ाना तुम्हारे मूड पे डिपेंड करता है, मेरे मूड पे डिपेंड नहीं करता। इट इज जस्ट लाइक अ डिफ्यूजन कोफिशिएंट। यस, आज बुगम्बो खुश है, जाओ खुश रहो। अच्छा कल से आराम से हम लोग ये चैप्टर शुरू करेंगे। आज शाम को इकोसिस्टम समाप्त हो गया है, तो बायोडाइवर्सिटी शुरू होगी, नया चैप्टर बायोडाइवर्सिटी। पेपर लियो ना, मधुमक्खी के साथ खेल लेंगे।
11 11 हो